नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी व्यंजन में। मैं आज बनाने जा रही हूँ मिक्स अचार, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मिक्स अचार बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 बड़े गाजर, छिलके काट लिए मैंने, 2 मूली ले लिया, इसे भी छिलके काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और थोड़ी सी हरी मिर्च ले लिया है, वो भी काट लिया है मैंने। आप चाहे तो गोभी भी ले सकते हैं, मटर भी ले सकते हैं। और अब मैं इसे एक बड़े बर्तन में डाल दूंगी और इसमें 2 बड़े चम्मच नमक डाल दूंगी और 2 चम्मच हल्दी डाल दूंगी और अच्छे से सबको मिक्स कर दूंगी। इसे अच्छे से मिला के मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगी एक बड़े से छन्नी में, ताकि इसका जितना भी पानी हो वो निकल जाए। ऐसा करने से अचार काफ़ी दिनों तक चलेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप लोग इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आप इसमें हरी मिर्च नहीं डाल रहे हैं इस अचार में तो। और ये देखिए, ये कितना दिखने में ही मस्त लग रहा है, अभी तो बना भी नहीं है। तो मैं मिलती हूँ 3 घंटे के बाद। अब मैंने ले लिया है 3 बड़े चम्मच सरसों। इसे हल्का सा गरम करने के बाद मैं उसे पीस लूँगी। सरसों के बाद मैं इसमें जीरा भी भून लूँगी। मैंने सारे मसाले बहुत बारीक नहीं पीसे हैं। और ये देखिए, ये 3 घंटे के बाद इसमें से ये इतना पानी निकला है। इस पानी को आप फेंके नहीं, इसे कोई भी सब्ज़ी में आप डाल सकते हैं। और मैंने अचार में मसाले डालने के लिए ले लिया है सरसों, भुना जीरा पीस लिया है, सौंफ ले लिया है, उसे दरदरा पीस लिया है। और अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल दूंगी। अब अचार में डालने के लिए मैं सरसों तेल ले लूंगी 1 कप। इसे अच्छे से गर्म करके थोड़ा ठंडा करके डालना है। अब इसमें सारे मसाले डालने के बाद 3 बड़े चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल लिया है मैंने, ताकि कलर अच्छा आ जाए। और फिर 2 बड़े चम्मच मैंने फिर से नमक डाला है, हल्दी डाला है 2 बड़े चम्मच, और नींबू डाल दिया है, और विनेगर भी 1 चम्मच डाल दूंगी मैं इसमें। अभी सरसों तेल भी इसमें मैं डाल दूंगी और बस अब सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और यह अचार तैयार है। आप इस अचार को 2-3 दिन बाद उपयोग कर सकते हैं। यह अचार आप लोग एक बार बनाइए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये अचार की रेसिपी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक के पहुँच सके। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी है tastyvyanjan11। थैंक यू।